इंग्लैंड के खिलाड़ियों को अपने बेसबॉल क्रिकेट पर इतना घमंड है कि कई बार वो कुछ ज्यादा बोल जाते हैं। ऐसा ही बयान इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट ने कुछ दिनों पूर्व यशस्वी जायसवाल के ऊपर दिया था। अब जबकि पांचवा टेस्ट मैच 7 मार्च से शुरू होने जा रहा है, उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने बेन डकेट को करारा जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है रोहित शर्मा ने, ये आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि बेन डकेट ने क्या कहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। बात है राजकोट टेस्ट की, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार दोहरा शतक जड़ा था और जो उनकी डबल सेंचुरी थी वो आतिशी डबल सेंचुरी थी और उन्होंने बहुत ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की थी और जिमी एंडरसन जैसे गेंदबाज की धुनाई कर दी थी। तो जब उस टेस्ट मैच के बाद बेन डकेट मीडिया से मुखातिब हुए और उनसे यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी के लिए पूछा गया तो उन्होंने जो कहा वो चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि देखिए, जिस हिसाब से यशस्वी ने बल्लेबाजी की, मुझे लगता है कि इसका क्रेडिट जो है वो इंग्लिश बैटर्स को भी मिलना चाहिए। अब क्यों कहा उन्होंने ऐसा, वो कहते हैं कि देखिए, वो जिस तरह से खेलते थे वो उस तरह से नहीं खेल रहे, बल्कि इंग्लैंड जैसी क्रिकेट खेलता है, मतलब बेसबॉल क्रिकेट की वो बात कर रहे हैं, आक्रामक क्रिकेट की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यशस्वी हमसे देखकर और हमारा देखकर ये सीख रहे हैं और उस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, मतलब यशस्वी की बल्लेबाजी, आक्रामक बल्लेबाजी का जो क्रेडिट है वो इंग्लिश बैटर्स और इंग्लिश टीम को देना चाहते थे बेन डकेट। उस समय भी उसकी आलोचना हुई थी, लेकिन रोहित शर्मा ने जो उनकी आलोचना की है वो लाजवाब है। जब रोहित शर्मा से धर्मशाला में डकेट के इस बयान को लेकर जवाब पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया और जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। वो कहते हैं कि हमारी टीम में ऋषभ पंत नाम का एक खिलाड़ी था, शायद बेन डकेट ने उनको खेलते हुए नहीं देखा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात उन्होंने कही। और ऋषभ पंत जो है टेस्ट मैचेस में भी आतिशी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते रहे हैं और जिस जिमी एंडरसन की धुनाई यशस्वी जायसवाल ने राजकोट में बुरी तरह से की थी, उन्हीं जिमी एंडरसन के खिलाफ ऋषभ पंत ने भी काफी आक्रामक बल्लेबाजी की थी इससे पहले। तो रोहित शर्मा बेन डकेट को ये बात याद दिला रहे हैं कि आप ही एकमात्र ऐसे नहीं हैं कि आप आक्रामक क्रिकेट खेलते हैं, या आप अगर देखें तो जब से मैकेलम आए हैं इंग्लैंड टीम के साथ तभी से इंग्लिश टीम बेसबॉल क्रिकेट खेल रही है। तो रोहित शर्मा ये कहना चाह रहे हैं कि आपने तो अभी शुरू किया है, हम उससे पहले से वैसा करते आए हैं और इसके लिए उन्होंने ऋषभ पंत का नाम लिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऋषभ पंत जो है अभी रिकवर कर रहे हैं, उन्हें चोट लगी थी, इंजरी हुई थी एक्सीडेंट से और उसके बाद वो रिकवर कर रहे हैं, जल्द ही हो सकता है आईपीएल में दिखें और उसके बाद टेस्ट टीम में भी वापसी कर सकते हैं। ये तो हुई ऋषभ पंत की बात, लेकिन अगर बेन डकेट को जवाब देने की बात अगर हम करें तो जैसे रोहित ने ऋषभ का नाम लिया और अगर आप आक्रामक क्रिकेट की बात करते हैं तो आप वीरेंद्र सहवाग को भी याद कीजिए, वो भी इसी तरह की क्रिकेट खेला करते थे कि सामने वाला गेंदबाज जो है वो डर जाता था। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड की जो टीम है ये कोई अजूबा काम कर रही है आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलकर। भारत में ऐसा इससे पहले भी होता रहा और कई इंडियन बैटर्स ने इस तरह की आक्रामक क्रिकेट जो है वो टेस्ट मैचेस में खेली है। तो रोहित शर्मा ने बड़ा ही तगड़ा जवाब दिया ऋषभ पंत का नाम लेकर, उन्होंने यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी पर जो बेन डकेट ने सवाल खड़े किए थे उस पर जवाब दिया। हालांकि बेन डकेट को अपने इस बयान के लिए कि यशस्वी जायसवाल जो है हमारी बल्लेबाजी से प्रेरित है उस पर जो है इंग्लिश
पूर्व खिलाड़ियों ने भी आड़े हाथों लिया था और नासिर हुसैन ने तो यहाँ तक कहा था कि देखिए यशस्वी ने आपसे नहीं सीखा, उसने परिस्थितियों परिवेश से सीखा है, आईपीएल से सीखा है। तो जवाब तो उन्हें पहले भी मिल गया था, लेकिन भारतीय कप्तान की तरफ से ये ड्यू था कि ये जवाब जाना चाहिए था। वो रोहित शर्मा ने पांचवा टेस्ट मैच शुरू होने से पहले दे दिया है और जवाब करारा दिया है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।